स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट चैप्टर पहला चैप्टर पढ़ने का पहला तो नहीं था, यूनिट वाइज करके फोर्थ ग्रुप में आपको पता होना चाहिए। एक यूनिट में थ्री चैप्टर, दो स्टोरी एंड वन पोएम। लेकिन सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दिया गया, कम कर दिया गया, इसलिए कि हम लोगों को लिटरेचर के अंदर दो बुक पढ़ना है, फोर्थ बुक है और दूसरा लिटरेचर। लिटरेचर में भी सेवन चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर के साथ आपको एक पॉइंट मिलेगा, तो वो हम लोग कंप्लीट सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लेकिन कोर्स बुक में कुछ चैप्टर्स को कम किया गया है, तो आपने यूनिट वन के एक चैप्टर को पढ़ा। अब आज हम लोग यूनिट टू के फर्स्ट सेक्शन वन को पढ़ेंगे, नेचर्स बाउंटी। पेज 37 बुक ले लीजिए, क्योंकि बुक सामने में रहेगा तो मैं इतना स्लोली धीरे धीरे समझाती हूँ कि आपको कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा तो आप अच्छे से समझ लेंगे, और जब हार्ड वर्ड्स होंगे साथ में अंडरलाइन भी करते जाइएगा। और हर यूनिट का मतलब है कि टॉपिक वही रहता है, उसी से रिलेटेड। जैसे ये आपका है नेचर्स बाउंटी। नेचर्स बाउंटी, नेचर मीन क्या होता है? प्रकृति, प्रकृति का, प्रकृति की उदारता। प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया है, नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि हम अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इंसान हैं और हम लोग का नेचर है कि हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं और बहुत तरह के नए नए आविष्कार करते जाते हैं विज्ञान के नाम पे, और इस तरह से नेचर के दिए हुए चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं कितनी बर्बादी हो रही है पृथ्वी पर। इसको समझना चाहिए, अब आप बड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ समझते भी होंगे इस इन्फॉर्मेशन में। राइटर ने भी सोचा कि आपको कुछ बताया जाए नेचर के बारे में, ठीक है। तो प्रकृति से रिलेटेड इस यूनिट यूनिट टू में आपको तीनों चैप्टर मिलेंगे, आप उसको पढ़िएगा, बहुत नॉलेजेबल होता है। दो स्टोरी और वर्ड पर, फर्स्ट स्टोरी हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ एम्बर वेड्स। द स्टोरी ऑफ एम्बर वेड्स, उसके ऊपर स्टार्टर में दिया हुआ है देयर आर मेनी आइटम्स दैट वी यूज दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद और क्रिएटेड फ्रॉम थिंग्स फाउंड इन नेचर। प्रकृति में जो भी चीजें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, चेंज करके यूज करते हैं। सबसे कॉमन चीज है राइस कुलर। प्रकृति ने हमें पैडल, जब हम लोग धान लगाते हैं तो धान निकलता है और तब उसको हम रिप्लेस करते हैं राइस में, चावल में, फिर उसको बनाते हैं, पकाते हैं, उसको खाते हैं। तो ये छोटा सा चीज़ है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, थिंग्स हैं जो प्रकृति प्रदत्त है, नेचर में देती है, और हम उसको दूसरे रूप में यूज करते हैं और अलग अलग नया नया क्रिएशन भी करते रहते हैं, क्रिएट भी करते रहते हैं। लुक एट द टू लिस्ट बिलो एंड मैच द आइटम्स टू देयर काउंटर पार्ट फ्रॉम नेचर, ठीक है ना। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो एक काउंटर पार्ट, और कॉलम बी में आपका हूबहू वो थिंग्स हैं जो आप नेचर से पाते हैं। लेकिन उसको क्या किया गया है, उसको कंपेयर किया गया है, रिजेंबल एक जैसा लगता है, ठीक है। इतना सुनने के बाद तुम खुद इसको कर लोगे मैच। जैसे फर्स्ट में रिबन दिया, रिबन की तरह प्रकृति में आपको क्या लगता है, मेरे पास समय नहीं तो, और जैसे क्लास में बड़ा मजा आता था, कभी कभी टीचर्स के एब्सेंट होने पे हम लोग को दोनों पीरियड मिल जाता था, तो दोनों पीरियड भी लगता था हम लोग को छोटा ही। लेकिन अभी तो मेरी मजबूरी है, ये अभी टाइम कम है, इसलिए ऑनलाइन जल्दी जल्दी पढ़ा देना है, फिर से क्लास जब स्टार्ट होगा हम लोग टाइम मिलेगा रिपीट करेंगे। तो रिबन की तरह क्या लगता है, इसमें को क्या क्या चीजें हैं, नेचुरल डाइज लीव्स, और थर्ड में सी में दिया है लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास जो है वो कैसे लगते हैं, रिबन की तरह लगते हैं ना। आप देखो सेकंड में बिट्स है, बिट्स क्या होता है, ये कीमती जेवरी होता है, मोती की तरह, मणिका की तरह, किस अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। तो प्रकृति में आप बिट्स किसको देखते हैं, हम लोग देखते हैं ड्राइड नट्स और हर्ब्स, जितने भी अनाज हैं वो सारे बिट्स ही हैं। ऐसे ही कैनवास, कैनवास क्या है भाई, तो लिप्स या रॉक,
पत्तियां, पेड़, पौधे, चट्टाने, ये सब हम लोग बनाते हैं ना, कैनवास को उतारते हैं ना, फिगर बनाते हैं, कैनवास की तरह होता है। इसी तरह से डाई है, ये क्या है भाई, कलर नेचर एंड डाइज फ्रॉम फ्रूट्स वेजिटेबल्स। बहुत सारे कलर्स जो है वो प्राकृतिक फूलों और फलों से लिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो बिट्स, चुकंदर, चुकंदर आप काटिएगा पूरा हाथ रेड हो जाता है, उसके कलर से बहुत सारा काम होता है। और ऐसे ही फ्लावर्स भी बहुत सारे हैं जिससे भी कलर पाए जाते हैं। और हम लोग अब चैप्टर पे आ, डू यू नो मदर नेचर, क्या तुम लोग प्रकृति माँ के बारे में जानते हो, प्रकृति माँ को जानते हो? सी इट इज टू होम द केयर ऑफ अर्थ हैज बीन गिवन, या वही है जिन्होंने पृथ्वी का देखभाल किया, करती आई है, करती है। एंड ऑल दैट ग्रो इन और अपन इट, और इसी इन्हीं धरती माँ, इसी नेचर के अंदर सब कुछ उपजता है, इसके ऊपर या इसके अंदर। जस्ट एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर केयर हैज बीन गिवन टू योर एल्डर्स, ठीक वैसे ही जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोगों के फादर मदर हम लोगों की देखभाल करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर जो कुछ भी उपजता है उसकी धरती माँ देखभाल करती है एज अ पेरेंट्स। यू मे थिंक दैट मदर नेचर लाइक द फेमस ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन द सू हैज सो मेनी चिल्ड्रन दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू, बट यू विल नो बेटर व्हेन यू बिकम acquainted with her and learn how strong she is. क्या तुम जानते हो धरती माता को जिनके बहुत सारे बच्चे हैं? इसको तुम बहुत अच्छे से जान जाओगे जब तुम इसके प्रति फेमिलियर होगे, acquainted होगे, उनके बारे में जानोगे, इनके नजदीक जाओगे, इनको पढ़ोगे, पहचानोगे, समझोगे, ठीक है? And how active, how she can really be in 50 places at once, taking care of a sick tree or a baby flower just born, and at the same time building underground palaces, guiding the steps of little travelers setting out on long journeys, and sweeping, dusting and arranging her great house, the earth. ये सारे काम हम लोग भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं कर सकते हैं जितना धरती माँ करती है। देखो कल्पना राइटर कितना अच्छा इन्होंने अनुभव किया है धरती के बारे में। इनका कहना है ये ऐसी माँ है, नेचर ऐसी माँ है जो एक ही टाइम में, एट अ टाइम, पूरी पृथ्वी का ध्यान रखती है, कहीं खिलते हुए फूल का तो कहीं बढ़ते हुए पौधे का, कहीं यात्रा करते हुए पथिक का, कहीं बनते हुए भवन का, है ना? इस तरह से एट द सेम टाइम ये सारे संसार की रक्षा करती रहती है, उनको उनकी देखभाल करती रहती है। एंड ऑल द वर्ल्ड इन द मिडस्ट ऑफ हर पेशेंस एंड नेवर एंडिंग वर्क शी विल टेल अस द मोस्ट चार्मिंग एंड मार्वेलस स्टोरीज ऑफ एजेस अगो व्हेन शी वाज young, or of the treasures that lie hidden in the most distant and secret closets of her palaces. Just such stories as you all like so well to hear your mother tell when you gather round her in the twilight. अब देखिए राइटर कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे मामा या दादी माँ हम लोग को स्टोरी सुनाया करती थी तो हम लोग चारों तरफ उनके बैठ जाते थे इकट्ठा होते, ठीक है? आप लोग भी वैसा करते रहिएगा। तो वैसे ही जो प्रकृति है, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये ताजमहल है तो वो लाल किला है, तो धरती माँ ये सब पुरानी पुरानी किलाओं की कहानियाँ, प्लेसेस की कहानियाँ, राजा राजाओं की कहानियाँ, ये सब इसी धरती पर विराजमान है। और ऐसा लगता है कि धरती माँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की तरह बैठा कर हमें आधी रात को चांद के नीचे सुनाया करती है। अ फ्यू ऑफ दीज स्टोरीज विच शी हैज टोल्ड मी आर
you doing in this work? राइटर का कहना है कि मैंने नेचर के माँ प्रकृति माँ के नजदीक रहकर बहुत सारी कहानियों को सुना है, उसमें से मैं आपको सुनाऊंगी। आई नो अ लिटिल स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटलैंड का नाम आपने सुना होगा। राइटर कहती है मैं उस स्कॉटिश गर्ल के बारे में जानती थी, सी लिव्स अमंग द हाइलैंड्स, वो प्लेन से ऊपर पहाड़ियों के बीच में रहा करती थी। हर नेम इज हार्डली मोर देन अ हर, हर फूड ग्रोथ एंड ब्रेड। उसके रहने के लिए उसके से एक झोपड़ी था, उसका भोजन था ब्रोथ। ब्रोथ मैंने बताया था क्लास में वो सूप होता है, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी, और ब्रेड खाया करती थी। हर फादर गिव्स सीप ऑन द हिल साइड, पहाड़ियों पर इसके पिताजी सिर्फ यानी भेड़ रखा करते थे, भेड़ को रखते थे, उसकी देखभाल करते थे। एंड इंस्टेड ऑफ वेयरिंग अ कोट रैप्स हिमसेल्फ इन हिज प्लेट, और कोट के बदले में वो वहाँ के एक फेमस वूलन कपड़े को ठंड से बचने के लिए, वहाँ के वेदर से बचने के लिए, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड वेव्स दैट ड्राइव बिफोर देम ग्रेट क्लाउड्स ऑफ मिस्ट एंड स्नो अमंग द माउंटेन्स, पहाड़ों पे फिर बादल छा जाता है, बर्फ गिरने लगता है, इन सब से बचने के लिए वो उसे पहना करते थे। एज फॉर जीनी हरसेल्फ यू मस्ट बी केयरफुल टू स्पेल हर नेम विथ एन ई ए, फॉर दैट इज स्कॉच फैशन, हर येलो हेयर इज बाउंड अबाउट विथ अ लिटिल स्मूथ, उसके जो बाल थे वो उसके सर पर बंधे होते थे घुंघराले, और हर फेस इज टैन्ड बाय एक्सपोजर टू द वेदर। आप स्टोरी सीन लग रहा है कि ये बहुत पैसे वाली नहीं थी, बाल में नहीं रहती थी, तो नेचर नेचुरल सी बात है, बहुत मेहनत करती थी जिसके कारण टैन्ड हो गया था इसका चेहरा। इनका चेहरा किसका, जेनी का, टैन होना गर्भसोज की गर्मी से झुलस जाना, तरह तरह के वेदर से उसका इफेक्ट दिखना है स्किन के ऊपर, है ना। और है कि हर फेस इज टैन्ड बाय एक्सपोजर टू द वेदर एंड हर हैंड्स आर हार्डेंड बाय वाटर, इतना काम करना कि उसके हाथ बहुत कड़े हो गए। फॉर सी हेल्प्स हर मदर एलसी, क्योंकि उसकी मम्मी को एलसी थी, मम्मी उसको हेल्प करने में, टू कुक एंड सिव टू स्पिन एंड वीव, खाना बनाने में, कपड़ों को बुनने में, सिलाई करने में, सब कुछ में। वन ट्रेजर इट इज जेनी हैज व्हिच मेनी अ लेडी वुड बी प्राउड टू वियर, इट इज अ नेकलेस ऑफ एम्बर बीड्स। उसके पास एक ही बहुत बड़ा धन था, वो क्या था, उसका एक नेकलेस जो वहाँ की अमीर औरतें पहना करती थी, पहनना पसंद करती थी, वो था लैमर बीड्स। वहाँ स्कॉटलैंड में लैमर मीन्स उस लैंग्वेज में लव कहा जाता है, लव बीड्स, वो ज्वेल जो था, जो मोती था, वो उसके लिए बहुत लवली था, वो बहुत पसंद करती थी। ओल्ड एल्स कॉल्स देम लेमर बीड्स, ओल्ड एल्सी कॉल्स देम, दैट इज द नेम दे बीड वाज व्हेन शी वाज यंग, ये नाम उनको जब छोटी सी थी तो उनको दिया गया, इस नाम से वो जानी जाती थी। तो आज के लिए बस हम लोग इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट किए हैं, आप हम लोग नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। जैसे बोलिए।